दोस्तों किट लेंस के बाद अगर किसी लेंस की सबसे ज्यादा डिमांड होती है ना तो वो है लेंस 50mm। ये एक ऐसा लेंस है आप किसी भी तरह की फोटोग्राफी करते हैं आपके बहुत काम आने वाला है, स्पेशली बिगनर्स के लिए। एक प्राइम लेंस के साथ हैंड जोन करना, प्रैक्टिस करना और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में अपनी प्रैक्टिस करने के लिए ये लेंस सबसे बढ़िया रहता है। और इसके अलावा हर तरह की सिचुएशन में, हर तरह के शूट में अगर आप शुरुआत करते हैं तो ये लेंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम आता है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। आज मैं आपको ना इसके 5 ऐसे बेनिफिट बताऊँगा, 5 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो इसकी बहुत ही ज़्यादा खास है और जिसकी वजह से ये लेंस सबसे ज़्यादा बिकता है। और अगर आपके पास ये लेंस नहीं है तो वो वजह जानने के बाद आपको ये लेंस ले लेना चाहिए। तो करते हैं वीडियो से फटाफट से शुरू। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है साहिल, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस लाल बटन को दबाकर और आप भी शामिल हो जाइए मेरे यूट्यूब परिवार में। तो आइए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। जानिए फोटोग्राफी और वीडियो प्रोडक्शन से रिलेटेड हर एक बात। वॉच, लर्न, एंजॉय। तो सबसे पहली खास बात जो है इस लेंस की जो मुझे लगती है वो है इसकी फोकल लेंथ। एक प्राइम लेंस में फोकल लेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो है 50mm। 50mm गाइस स्टैंडर्ड फोकल लेंथ होती है। एक ह्यूमन आई का प्रोस्पेक्टिव जो है वो 50mm के अंदर, मतलब 50mm के आसपास होता है। तो इस लेंस से जब आप फोटोज खींचते हैं तो वो आपको एक तरह का ह्यूमन आई प्रोस्पेक्टिव देता है। जब आप देखते हैं ना अपने आई से जो देखते हैं, विजन देखते हैं, तो उस तरह का विजन आपको इस लेंस से मिलता है। इसका नजरिया सेम आपकी आंख की तरह है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है गाइस, ये जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं, पोर्ट्रेट करते हैं, किसी भी तरह की करते हैं गाइस, ये लेंस बहुत जगह काम आता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लेंस है इस मामले में क्योंकि इसकी फोकल लेंथ काफ़ी बढ़िया है। सबसे बढ़िया बात 50mm लेंस है। आप मान लीजिए छोटी जगह है, छोटी जगह पर आप शूट करना चाहते हैं, पोर्ट्रेट शूट करना चाहते हैं तो इससे कर सकते हैं। अगर इसके कंपैरिजन में आप 85mm से करेंगे तो आपको ज़्यादा एरिया चाहिए होगा। अगर आप गाइस 50mm और 85mm लेंस का कंपैरिजन की वीडियो चाहते हैं तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वो वीडियो भी जाकर देखें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा 50mm और 85mm के बारे में और इनकी इनमें जो फ़र्क है उसके बारे में। तो सबसे पहली खास बात यही है गाइस, इसमें जो है फोकल लेंथ जो है बहुत ही स्टैंडर्ड है, मतलब कमाल का आपको मज़ा आ जाएगा। आप चाहे क्रॉप सेंसर बॉडी पे काम करिए या फुल फ्रेम पे करिए, आपको ये लेंस यूज़ करने के बाद बहुत ही मज़ा आएगा। दूसरी चीज़ है गाइस, दूसरी जो खास बात है इस लेंस की वो है बैकग्राउंड ब्लर। अब हम मोस्टली DSLR जब लेते हैं तो हम क्यों लेते हैं, हमें एक तो अच्छी क्वालिटी मिले, दूसरा बैकग्राउंड ब्लर मिले, हमें अच्छा डेप्थ इफेक्ट मिले, अच्छा ब्लर इफेक्ट मिले। तो वो चीज़ गाइज आप इस लेंस से ले पाएंगे। किट लेंस से इतना बैकग्राउंड ब्लर नहीं होता क्योंकि उसके अंदर इतना वाइड अपर्चर नहीं होता जितना इसके अंदर होता है। तो इसमें आपको मिलता है गाइज 1.8 का वाइड अपर्चर। एंड गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना वाइड अपर्चर होता है लेंस का उतना ही वो महंगा होता जाता है। मतलब ये एक फैक्टर होता है कि जितना वाइड होगा अपर्चर उतना ही महंगा आपको कहीं ना कहीं वो लेंस मिलेगा। बट 50mm में गाइज आपको 7-8 हज़ार में कैनन के लेंस में, 7-8 हज़ार में आपको 1.8 अपर्चर लेंस मिल जाता है। तो इससे बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती। इसके अलावा गाइज अगर हम 85mm की बात करें तो 85 में आपको 1.8 अपर्चर तो मिलता है बट उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हमें हाई मिलता है इसके कंपैरिजन में। तो इसलिए 50mm इसलिए बेस्ट माना जाता है क्योंकि इसके अंदर 1.8 अपर्चर है, आपको ब्लर इफेक्ट मिलेगा और आप जब फोटोज़ खींचेंगे तो बहुत ही अच्छी जो है निखर की फोटो आएगी, सब्जेक्ट जो है बैकग्राउंड से निकल के आएगा। तो बहुत ही खास बात है इस चीज़ की, ब्लर इफेक्ट के लिए, पोर्ट्रेट फोटोज़ के लिए बहुत ही बढ़िया लेंस है, स्पेशली बिगनर्स के लिए सीखने के लिए। नेक्स्ट बेनिफिट गाइस जो इस लेंस का है वो है लो लाइट। क्या होता है गाइस, जब आप किट लेंस से बारीकी से डिटेल कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए आप एक कैंडल की फोटो ले रहे हैं या फिर आप ऐसी चीज़ की फोटो ले रहे हैं जिसकी लाइट बहुत ही ज़्यादा कम है, तो किट लेंस गाइस उस डिटेल को कैप्चर नहीं कर पाता क्योंकि उसमें इतना वाइड अपर्चर नहीं होता। बट ये लेंस वो काम आपको करके देता है। मान लीजिए आप किसी कैंडल की फोटो ले रहे हैं और आपने उस कैंडल को टेबल पर प्लेस किया या कहीं भी प्लेस किया, तो उसकी लो लाइट जहाँ भी स्प्रेड होगी, जितनी भी होगी, वो प्रॉपर जो है ये लेंस कवर करके आपको देगा। तो इस तरह की डिटेल्स जो होती है ना, इस तरह की जो लो लाइट सिचुएशन, लो लाइट एम्बियंस वाली डिटेल्स होती है, वो आप इस लेंस से कैप्चर कर सकते हैं। तो उस मामले में भी ये लेंस काफ़ी कमाल का है। लो लाइट हो में, चाहे पोर्ट्रेट हो, आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं या कैसी भी कर रहे हैं, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा लो लाइट सिचुएशन में। ये जो लेंस है प्राइस के अकॉर्डिंग लो लाइट में कमाल की परफॉर्मेंस देता है। मैंने खुद इसे ऐसे बिगनर बहुत ही ज़्यादा जो है इस पर प्रैक्टिस करी और बहुत ही अच्छा लेंस है इस मामले में। फोर्थ बेनिफिट गाइस जो इस लेंस का है वो है कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट। अब ये लेंस है गाइस देखो कितना हल्का है, बहुत ही टाइनी सा है, आपके
किट बैग में भी आ जाएगा, नॉर्मल सा जो छोटा सा बैग मिलता है आपके DSLR के साथ उसमें भी आराम से आ जाएगा। आप ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, आप कहीं जा रहे हैं तो ये लेंस ईजिली आपके हाथ में फिट हो जाता है, इतना छोटा है, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तो इसका वाइड अपर्चर है, लो लाइट में काम करता है, ऊपर से छोटा भी है, कॉम्पैक्ट भी है, तो इससे बढ़िया बात हमारे लिए क्या हो सकती है। बड़े बड़े लेंसेज में गाइज हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसे कैरी करने में, लेके जाने में और उनकी मेंटेनेंस में। इसमें गाइज ये कि आप छोटे से पाउच में ले जा सकते हैं, इसे छोटे से बैग में ले जा सकते हैं, या इसे और भी अलग अलग तरीक़ों में लेके जा सकते हैं। कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं, तो इसकी बहुत ही बढ़िया खास बात है। स्पेशली आप ज़्यादा घूमते हैं, ज़्यादा बाहर जाते हैं, तो ये लेंस आपको उस मामले में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। लास्ट बेनिफिट जो इस लेंस का है वो है इसका प्राइस। आपको बहुत ही कम पैसों में, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। लो लाइट में काम कर सकता है, स्टैंडर्ड फोकल लेंथ है, ब्लर इफेक्ट मिलता है, और वर्सेटाइल तो है, कॉम्पैक्ट भी है, लाइट वेट भी है, तो इतनी सारी चीज़ें गाइज आपको बहुत ही कम पैसे पे करने पर मिल जाती है। स्पेशली बिगिनर के लिए गाइज ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको कम पैसे देकर ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगा, आपको प्राइम लेंस का हैंड जोन कर सकते हैं आप इससे, तो आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे कम पैसे देकर। ये इसकी सबसे ज़्यादा खास बात है बाकी फीचर्स के अलावा, तो इसलिए ये लेंस गाइज सबसे बेस्ट माना जाता है। 5 ऐसे रीज़न जो मैंने आपको बताए ये बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं इस लेंस के। मैंने भी एज ए बिगिनर बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखा है इस लेंसेज के बाद। मैंने शिफ्ट किया है 85mm पर या 35mm पर, बट मेरा पहला प्राइम लेंस 50mm ही था और मैंने इससे काफ़ी कुछ सीखा था। एंड गाइज अगर आपको 50mm लेंस के साथ बेस्ट कैमरा सेटिंग्स नहीं पता क्या रखनी है, तो मैंने उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको यहाँ पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ठीक है गाइज, 50mm लेंस के बारे में काफ़ी कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया है। इनके अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।